अपनी खिड़की से बाहर देख रहा कश्यप इस वक्त बहुत ही हैरान था। उसने अपने आप से कहा, ये तो शेरू है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? और क्या ये अकेला ही यहाँ आया है, या फिर इसके साथ कोई और भी है? तभी कश्यप ने देखा कि दूर सड़क पर तेजी से दौड़ता हुआ शेरू अचानक रुक गया। फिर उसने पीछे मुड़कर कश्यप के घर की तरफ देखा। शेरू की यह हरकत कश्यप को काफी अजीब लगी। हालांकि वो तो अभी तक इसी हैरत में डूबा हुआ था कि शेरू यहाँ आया ही क्यों। सड़क पर खड़ा हुआ शेरू अब लगातार कश्यप की ही तरफ देख रहा था। कश्यप से भी अब रहा नहीं गया, वो अपने कमरे से बाहर आ गया। उसने देखा कि इला के कमरे की लाइट बंद थी, यानी वो सो चुकी थी। फिर भी कश्यप ने एहतियात के तौर पर बिना कोई आहट किए बहुत ही हौले से अपने घर का दरवाजा खोला और वो बाहर निकल आया। शेरू अभी भी वही सड़क पर खड़ा हुआ था और अभी भी उसी तरह एक टक कश्यप को ही देख रहा था। कश्यप के अंदर मौजूद आदित्य के दिमाग में अब एक हलचल सी मचलने लगी। वो सोचने लगा, शेरू लगातार मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? क्या ये मुझे कोई इशारा करना चाहता है या कहीं ले जाना चाहता है? मगर तभी उसके दिमाग में एक दूसरा ख्याल कौंध उठा। उसने कहा, नहीं, ये जरूर कोई चाल है, शायद वो शैतान मुझे फंसाना चाहता है। कश्यप अब एक उलझन में फंस गया। उसे समझ नहीं आया कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्या वो शेरू के पास जाए या फिर चुपचाप वापस घर लौट जाए। तभी उसने देखा कि शेरू अब वहीं सड़क पर बैठ गया, मगर उसकी आंखें अभी भी कश्यप पर ही जमी हुई थी। उसके गले में लटक रहा पेंडेंट अंधेरे में चमक रहा था। कश्यप की नजर जैसे ही उस पेंडेंट पर गई, वैसे ही आदित्य के दिमाग में एक धमाका सा हुआ। उसने कहा, आदि, तूने रोशनी की दुनिया का एक छोटा सा अंश इस पेंडेंट में डाल दिया था। ये तेरी ही ताकत का हिस्सा है और इस वक्त तू इसे बहुत ही आसानी से वापस हासिल कर सकता है। इससे तेरा कमजोर पड़ा हुआ वजूद और भी मजबूत हो जाएगा और फिर प्रिया को तो तू फिर से दिखाई देने लगेगा। हाँ आदि, हाँ, तेरे पास बस यही एक रास्ता है। इस पेंडेंट को शेरू के गले से निकाल ले और रोशनी का जो अंश तूने इसमें डाला था वो फिर से तुझमें वापस समा जाएगा। ये ख्याल आते ही कश्यप की आंखों में एक चमक आ गई। आखिर उसे प्रिया के सामने अपने इंसानी वजूद को फिर से जाहिर कर देने का एक तरीका मिल गया था। वो अब बहुत ही सावधानी से शेरू की तरफ बढ़ने लगा। शेरू वैसे ही अपनी जगह पर बिना हिले डुले बैठा हुआ था। हालांकि आदित्य को अंदर ही अंदर थोड़ा डर लग रहा था कि अगर ये सचमुच ही शैतान की कोई चाल हुई तो वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा, बल्कि हो सकता है कि उसका बचा खुचा वजूद भी यहीं खत्म हो जाए। लेकिन ये जोखिम तो लेना ही पड़ेगा। प्रिया उसे फिर से देख सुन सके इसके लिए बस एक ही आखिरी तरीका है और शायद मौका भी, क्योंकि शेरू उस वक्त अकेला है। यही सब सोचता हुआ कश्यप पूरी सतर्कता के साथ शेरू के एकदम नजदीक आ गया। सड़क एकदम सूनी थी और शेरू यहाँ बीचों बीच बैठा हुआ था। कश्यप ने चारों तरफ अपनी निगाहें दौड़ाई, लेकिन अंधेरे और सन्नाटे के सिवाय वहाँ कुछ नहीं था। अब उसने शेरू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हेलो शेरू, लेट्स शेक हैंड्स। इसी के साथ उसने शेरू की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया, मगर इस बार शेरू ने अपना पंजा कश्यप की तरफ नहीं बढ़ाया, बल्कि वो अपनी जगह से उठा और कश्यप की आंखों में गौर से देखने लगा। शेरू की इस हरकत पर अब आदित्य एकदम से चौंक उठा। उसे ऐसा लगा जैसे अब किसी भी पल कोई अनहोनी हो सकती है और उससे पहले ही उसे शेरू के गले में से ये पेंडेंट निकाल लेना होगा। वो भी गौर से शेरू की आंखों में देखने लगा और उसका ध्यान भटकाने के लिहाज से उससे कहने लगा, क्या हुआ दोस्त, तुम आज बहुत सुस्त नजर आ रहे हो, और तुम अकेले यहाँ कैसे चले आए? वो ध्रुव इस वक्त कहाँ है? इसी तरह की बातें करता हुआ कश्यप शेरू की नजर बचाकर अपना एक हाथ पेंडेंट की तरफ बढ़ा रहा था, लेकिन तभी वो एकदम से रुक गया। उसे एक हल्की सी गुर्राहट सुनाई दी। कश्यप ने चौंक कर शेरू की तरफ देखा, लेकिन शेरू तो एकदम शांत था। अब कश्यप फौरन पीछे मुड़ा और जो मंजर उसके सामने था उसे देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके सामने इस वक्त बहुत ही सारे कुत्ते खड़े हुए थे जो बहुत ही खूंखार नजरों से कश्यप को घूर रहे थे। अंधेरे में उनकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। कश्यप एकदम से लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसने कभी एक साथ इतने कुत्तों को इस तरह से इकट्ठा होते हुए नहीं देखा था। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे शहर के तमाम कुत्ते इस वक्त यहाँ जमा हो गए थे और उनका बर्ताव बहुत ही हिंसक नजर आ रहा था। मगर कश्यप के भीतर का आदित्य अब सब कुछ समझ चुका था। उसने खुद से कहा,
जिस तरह वो शैतान शहर के लोगों का दिमाग अपने वश में करता जा रहा है, ठीक वैसे ही शेरू इन कुत्तों को कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि शेरू में भी वही शैतानी ताकत है, यानी शेरू भी उसी शैतान का एक मोहरा है। ये कहते कहते उसने शेरू की तरफ देखा। वो पहले की ही तरह खामोशी से अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। तभी एक बड़ा सा कुत्ता बहुत खूंखार ढंग से गुर्राया और फिर देखते ही देखते उन तमाम कुत्तों ने कश्यप को चारों तरफ से घेर लिया। आदित्य समझ गया कि अपना वजूद बचाने के लिए उसे अब अपनी ताकत का इस्तेमाल करना ही होगा, वरना ये कुत्ते कश्यप के जिस्म की बोटी बोटी कर डालेंगे। और आदित्य की वो ताकत उस पेंडेंट में थी। उसने बिजली की फुर्ती से शेरू की गर्दन में से वो पेंडेंट खींच लेना चाहा, मगर उससे पहले ही वो सारे कुत्ते एक साथ कश्यप पर टूट पड़े। कश्यप लड़खड़ा कर नीचे सड़क पर गिर गया। तभी उस बड़े से खूंखार कुत्ते ने कश्यप की गर्दन को अपने जबड़े में दबोच लिया। कश्यप दर्द से चिल्लाया। उसकी ये चीख उस वीरान सड़क पर दूर दूर तक गूंज उठी। लेकिन अचानक अब तक खामोश खड़ा हुआ शेरू एकदम से हरकत में आ गया। वो बहुत ही अजीब तरीके से गुर्राया और उसने उस बड़े से खूंखार कुत्ते पर हमला कर दिया। इसी के साथ शेरू के गले में लटक रहे उस पेंडेंट में से इतनी तेज रोशनी निकली कि कश्यप की आंखें एक पल के लिए बंद हो गई। और जब अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोली तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि उन तमाम खूंखार कुत्तों के बेजान जिस्म सड़क पर बिखरे पड़े थे। शेरू वहीं सामने खड़ा था। वो बहुत कमजोर नजर आ रहा था और बुरी तरह से हांफ रहा था। उसके गले में लटक रहे पेंडेंट की रोशनी बुझ चुकी थी। ये सब देखकर आदित्य को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने खुद से कहा, शेरू ने मेरी जान बचाने के लिए उस पेंडेंट की ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? शेरू तो शैतान के वश में है और पेंडेंट में रोशनी की दुनिया का अंश था, तो फिर शेरू ऐसे कैसे कर सकता है? ये आखिर चक्कर क्या है? ये कहते कहते आदित्य एकदम से रुक गया। उसे फौरन याद आया कि उस पेंडेंट में से वो जो रोशनी निकली थी वो लाल रंग की रोशनी थी, जो दरअसल शैतान के उस तिकोने निशान में से पैदा होती है। आदित्य ने अब फौरन आगे बढ़कर शेरू को अपनी गोद में उठा लिया और पेंडेंट को अपने हाथों से लेकर देखने लगा। पेंडेंट की रोशनी बुझ जाने से अब उसके अंदर बना हुआ एक तिकोना निशान आदित्य को साफ नजर आ रहा था। ये देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने खुद से कहा, यानी नीना का अंदाजा एकदम सही था। कामिनी प्रिया के घर इसलिए गई थी ताकि चुपके से शेरू के गले में से मेरा पेंडेंट निकालकर उसे इस शैतान का पेंडेंट पहना सके, लेकिन तब तो मैंने इस पेंडेंट को अच्छी तरह से देखा था, तो मुझे उसी वक्त इस बात का आभास क्यों नहीं हुआ? तब मेरी आंखें धोखा कैसे खा गई? लेकिन अपने इस सवाल का जवाब भी आदित्य को फौरन मिल गया। उसने कहा, जब बेहोशी की हालत में कामिनी मुझे अपने घर ले गई थी, तभी उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया है कि मुझे चीजों के सही या गलत, असली या नकली का आभास होना बंद हो गया। इसीलिए मैं शैतान के इस पेंडेंट को नहीं पहचान सका, जबकि मेरा पेंडेंट अब कामिनी के कब्जे में है। ये सोचते सोचते आदित्य को अब कामिनी पर गुस्सा आने लगा। उसके दिमाग में फिर से वही जज्बात सर उठाने लगे कि कामिनी का जिंदा रहना अब सचमुच बहुत खतरनाक है। लेकिन फिर उसने बड़ी मुश्किल से अपने इस इंसानी जज्बात पर काबू किया और शेरू की तरफ देखने लगा। शेरू की हालत अब काफी बिगड़ चुकी थी। वो कश्यप की गोद में निढाल सा पड़ा हुआ था। आदित्य ने उसे बहुत ही प्यार से सहलाते हुए कहा, मैं जानता हूँ शेरू कि तुम उस शैतान की साजिश का मोहरा हो, मगर फिर भी तुमने बुराई की जगह अच्छाई का साथ दिया। तुम्हारे अंदर शैतानी ताकत डाल दी गई थी, लेकिन फिर भी तुमने उसका इस्तेमाल मुझे बचाने के लिए किया। तुमने आज अपनी वफादारी साबित कर दी वो दोस्त। ये कहते कहते आदित्य ने शेरू को चूम लिया, मगर शेरू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो चुपचाप कश्यप की गोद में से नीचे उतरा और धीरे धीरे चलता हुआ सड़क के एक अंधेरे कोने में जाकर गुम हो गया। कश्यप कुछ पल वहीं खड़ा खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा, फिर वो भी अपने घर की तरफ चल दिया। अगली सुबह प्रिया की आंख नीना की आवाज से खुली। वो अभी अभी उसके कमरे में कॉफी लेकर आई थी। प्रिया ये देखकर खुशी से भर उठी। आखिरकार इस घर में एक बार फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया था। नीना इस बार अपनी कॉफी भी लेकर आई थी, साथ में न्यूज़पेपर भी। बिस्तर में लेटे लेटे ही प्रिया ने नीना को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, थैंक यू सो मच नीना की बच्ची, मैं रोज सुबह तेरी इस कॉफी को कितना मिस करती थी यार। जवाब में नीना मुस्कुरा उठी। फिर उसने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, यार प्रिया, शहर में ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उससे मुझे बहुत डर लग रहा है यार। आज के न्यूज़पेपर में
सब इसी तरह की खबरें भरी पड़ी हैं। इस पर प्रिया ने फौरन अखबार खोलकर देखा। नीना की बात एकदम सही थी। फ्रंट पेज से लेकर तकरीबन हर पन्ने पर शहर के अलग अलग हिस्सों में मची लूट मार और झगड़ा फसाद की ही न्यूज थी। प्रिया ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, इसीलिए तो मैंने तुझे और मॉम को मना किया है कि घर से बाहर ना निकलें। हालांकि अभी तो हमारे वाले इलाके में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही ये सब पूरे शहर में होगा। प्रिया की ये बात सुनकर नीना ने अब घबराए लहजे में पूछा, आखिर वो शैतान ये क्यों कर रहा है प्रिया? इससे उसे क्या हासिल होगा? प्रिया ने अब अखबार बंद करके एक तरफ रखते हुए कहा, हर ताकत हमेशा अपनी एक अलग सत्ता कायम करना चाहती है नीना, ताकि उसका वजूद हमेशा बना रहे। और जब एक बार उसका वजूद मजबूत हो जाता है तो वो दूसरी ताकतों पर भी राज करने लगती है। वो शैतान भी यही कर रहा है। उसकी एक अलग दुनिया है जिसे अंधेरे की दुनिया कहा जाता है, और वो पूरी दुनिया में अपना यही अंधेरा फैलाना चाहता है। और क्योंकि हम इंसान बहुत कमजोर होते हैं, तो शैतानी ताकतें बड़ी ही आसानी से हमारा शिकार कर लेती हैं, हमें अपने वश में ले लेती हैं। इस पर नीना ने कुछ सोचते हुए कहा, इसका मतलब ये हुआ कि हम इंसानों को कभी भी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। नीना की मासूमियत पर प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, एग्जैक्टली। लेकिन हम इंसानों में ढेर सारी बुराइयां भी होती हैं, जैसे हम गुस्सा हो जाते हैं, किसी से नफरत करने लगते हैं, और कभी कभी तो हिंसा भी कर बैठते हैं। तो बस वो शैतान हमारी इन्हीं कमजोरियों का तो फायदा उठा रहा है। वो हमें बड़ी ही आसानी से अपने जैसा बना रहा है। ये सुनकर नीना ने जैसे इस समस्या का एक आसान सा हल निकालते हुए कहा, फिर तो हम इंसानों को एक दूसरे से खूब प्यार करना चाहिए, ताकि हम उस शैतान को हरा सके। प्रिया अब खिलखिला कर हंसती। फिर उसने अपनी कॉफी खत्म करते हुए कहा, यस माय डार्लिंग नीना, तू बिल्कुल सही कह रही है। प्यार में सचमुच बहुत ताकत होती है। लेकिन क्या है ना कि कभी कभी शैतान ज्यादा ताकतवर हो जाता है, तो तब हमें उससे मुकाबला करना ही पड़ता है। इतना कहने के साथ ही प्रिया ने अब बिस्तर से उठते हुए कहा, और अब मैं और इला मैम आज फिर नए सिरे से उस शैतान से मुकाबला करने के मिशन पर निकलने वाले हैं। इस पर नीना को जैसे कुछ याद आया, उसने प्रिया से कहा, लेकिन उससे पहले तुझे शेरू को डॉक्टर के पास भी तो लेकर जाना है ना। नीना की इस बात पर प्रिया को भी ये याद आया। उसने कहा, ओ यस नीनू, तू एक काम कर, तब तक किसी वेटनरी से अपॉइंटमेंट फिक्स कर, मैं जब तक तैयार होकर आती हूँ। ये कहते हुए प्रिया वॉशरूम की तरफ जाने लगी। तभी एक झटके से उसके कमरे का दरवाजा खुला। प्रिया और नीनू ने चौंक कर देखा, सामने बच्चा खड़ा हुआ था और वो बहुत ही बदहवास नजर आ रहा था। प्रिया ने थोड़ी हैरानी से पूछा, क्या हुआ तुम्हें? बच्चे ने बहुत ही सपाट लहजे में जवाब दिया, शेरू अभी तक वापस लौट कर नहीं आया है। बच्चे की ये बात सुनकर प्रिया के साथ साथ नीना को भी एक तेज झटका लगा। नीना ने फौरन पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो ध्रुव? शेरू घर से बाहर कब गया? और वो तो अकेला कभी कहीं नहीं जाता, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता है। बच्चे ने जवाब दिया, लेकिन कल रात वो चला गया, वो और मैं साथ साथ ही सोए थे, लेकिन अभी जब मेरी नींद खुली तो वो कमरे में नहीं है। इस पर प्रिया ने उसके नजदीक आते हुए कहा, अरे तो तुम इतनी सी बात पर इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अगर शेरू कमरे में नहीं है तो फिर घर में इधर उधर ही कहीं खेल रहा होगा। लेकिन बच्चे ने बहुत ही कठोरता से कहा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो माँ, वो मुझे बिना बताए चला गया है। बच्चे की इन पहेली नुमा बातों से प्रिया और नीना दोनों ही उलझ गई। प्रिया ने अब थोड़ा प्यार से पूछा, लेकिन शेरू तुम्हें बिना बताए भला कहाँ गया होगा? बच्चे ने अब प्रिया की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने कल तुम्हें बताया था ना कि शेरू को अपनी माँ की याद आ रही है, तो मुझे लगता है कि वो अपनी माँ से मिलने गया होगा। बच्चे की इस बात से और उसके अंदाज से प्रिया अंदर ही अंदर सिहर उठी, जबकि ये बात सुनकर नीना बहुत ही हैरानी से बच्चे को देखी जा रही थी। मगर अभी कोई कुछ कहता उससे पहले ही रागिनी तकरीबन दौड़ती हुई प्रिया के कमरे में आई और बहुत ही घबराए हुए लहजे में उसने कहा, प्रिया प्रिया, वहाँ तुम्हारी गाड़ी के पास। ये कहते कहते रागिनी की नजर बच्चे पर पड़ी और वो फौरन चुप हो गई। लेकिन प्रिया को शायद रागिनी की बात समझ में आ गई थी। वो तेजी से अपने कमरे से बाहर निकली और घर के पिछले हिस्से की तरफ दौड़ी, जहाँ वो अपनी कार पार्क किया करती थी। नीना, रागिनी और बच्चा भी उसके पीछे पीछे वहाँ चले आए थे। प्रिया ने देखा उसकी कार के पास वहीं जमीन पर शेरू सो रहा था। ये देखकर प्रिया ने एक राहत भरी सांस ली। फिर उसने बच्चे की तरफ देखते हुए कहा, तुम बेकार ही परेशान हो रहे थे, जबकि शेरू तो यहाँ कितने मजे से सो रहा है। लेकिन उस बच्चे ने जैसे प्रिया की ये बात सुनी ही नहीं थी।
वो बहुत ही खाली खाली नजरों से शेरू को देख रहा था। फिर अचानक वो धीमे से बड़बड़ाया, शेरू सो नहीं रहा है बल्कि वो मर चुका है। ये सुनकर प्रिया और नीना जैसे सकते में आ गई। उन्होंने देखा बच्चा एकदम सही कह रहा था, शेरू की सांस नहीं चल रही थी, उसके प्राण पखेरू कब के उड़ चुके थे।